We are going to study Java. So, कुछ fundamental question है जिनका answer हमें clear होना चाहिए. First question, what is Java? जो हमें Java पढ़ने वाले हैं, right? वो है क्या? So इसका answer क्या होगा? इस question का answer होगा. Let me change color for the answer. तो इसका आंसर होगा जावा इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट मैं बहुत सिंपल लिख रहा हूं. जावा इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और programming language. Java is a computer language or programming language, right? ये हमारा definition है कि Java एक programming language है. So again, इससे एक और question आ जाता है कि programming language क्या होता है और computer language क्या होता है. So second question, what is computer or programming language? So चलो इस क्वेश्चन के आंसर थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये जानने से पहले ये समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है. आई होप सबको पता होगा वे ऑफ कम्युनिकेशन. अभी कंप्यूटर भूल जाओ. अगर किसी भी दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? किसी ना किसी लैंग्वेज की हेल्प से करेंगे. जैसे पर्सन ए वॉन्ट टू टॉक विद पर्सन बी, इन दोनों को आपस में बात करना है तो भाई ये बात कैसे करेंगे? कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे. लैंग्वेज या तो हिंदी होगा, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है. दो तीन चार लोग कितने भी लोग कम्युनिकेट ऐसे ही तो करेंगे लैंग्वेज के थ्रू. तो लैंग्वेज क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो सारे हिंदी संस्कृत उर्दू ये सारे क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज है क्योंकि ह्यूमंस उनका यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. बट यहाँ पे एक सेकेंड सिनेरियो आता है और सेकेंड सिनेरियो क्या है कि अगर किसी ह्यूमन को अगर किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है सो क्या कोई ह्यूमन कंप्यूटर से हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है? क्या तुम कंप्यूटर से इंग्लिश में या फिर हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते. अब तुम बोलोगे कि करते तो हैं सर, कंप्यूटर के अंदर जो गूगल होता है उसमें सब इंग्लिश में ही तो काम करते हैं, फोन में भी इंग्लिश में ही तो काम करते हैं और हिंदी में. सो नहीं, तुम वहां पे बेसिकली कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. गूगल और फेसबुक खुद ही एक प्रोग्राम है तो तुम प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर रहे हो. जब मैं कंप्यूटर बोल रहा हूं तो हार्डवेयर मेरे कहने का मतलब है. सोचो अगर मैं तुम्हें कंप्यूटर फॉर्मेट करके दे दूं तो ना कोई गूगल रहेगा, ना कोई फेसबुक रहेगा, ना इंस्टाग्राम रहेगा, ना यूट्यूब रहेगा. फिर तुम इंग्लिश हिंदी में कुछ भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सो यहां पे ऐसे लैंग्वेजेस यूज होते हैं जो कंप्यूटर को भी समझ में आए और ह्यूमन को भी समझ में आए. भाई तभी तो ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों को अगर लैंग्वेज पता होगा तब तो. सो ऐसे लैंग्वेज डेवलप किया गया जो किसको समझ में आए? हमारे ह्यूमन को भी और कंप्यूटर को भी. अब कुछ लैंग्वेजेस के नाम मैं बताता हूं. जैसे सी. सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि वो ह्यूमन भी समझ सकता है, कंप्यूटर भी समझ सकता है. हालांकि कंप्यूटर कैसे समझता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उसके अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सारी चीजें आगे का है वो सब. अभी बस बहुत बेसिक जनरल वे में मैं समझा रहा हूं. उसके बाद है एक और लैंग्वेज आया फॉर द कन्वर्सेशन बिटवीन, फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, C++. फिर एक और लैंग्वेज आया जावा. फिर एक और आया पाइथन. ऐसे ही आज के टाइम में 200 से ऊपर लैंग्वेज है. ये सारे क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज. क्यों इन सबको कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी हेल्प से ह्यूमन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है. और इन लैंग्वेजेस में से हमें कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है? हमें पढ़ना है जावा.
सो बेसिकली हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जावा लैंग्वेज से, मतलब जावा लैंग्वेज अब कंप्यूटर से तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो समझ में आ गया तुम्हें कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, ऐसे लैंग्वेज जिनका यूज हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बट उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जितने कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, चाहे सी हो गया या सी प्लस प्लस हो गया या जावा हो गया या पाइथन हो गया, इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, ये प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। सो ओके, यहां देखो, अगर तुम्हें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन कैसे होता है। कंप्यूटर को तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि और भाई ये काम कर दो, उससे अगर तुम्हें कंप्यूटर को कुछ बोलना है तो तुम्हें कुछ लिख के देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शन तुमको एक प्रॉपर तरीके से, जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, जो भी कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज करो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सपोज हम जावा यूज कर रहे हैं, तो जावा के रूल्स के हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन तुम्हें लिखना होगा। वो इंस्ट्रक्शन तुम लिखोगे और फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर रीड करेगा और फिर तुमने जो बोला है वो काम कर देगा। सपोज यहाँ पे तुमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के दिया है कि भाई अपने स्क्रीन पे हेलो ऑल प्रिंट करो, तो कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और अपने स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। सो यही जो इंस्ट्रक्शन है जो हमने जावा लैंग्वेज में लिखा है, इसी इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, बट हम चाहे तो सी में भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे जितने कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, राइट, बिकॉज कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन। सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारा आता है, देन व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम। सो मैंने अभी बता दिया प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम इंस्ट्रक्शन लिख के देंगे ना कंप्यूटर को कि भाई ये काम करो, हमने लिख के दे दिया। और यही जो इंस्ट्रक्शन हमने लिख के कंप्यूटर को दिया, इसी इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो आई होप इतना सब लोगों को क्लियर हो गया कि जावा क्या है, जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिक, ऐसे लैंग्वेज जिससे ह्यूमन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अब भाई हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे तभी तो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, गूगल बनाएंगे, यूट्यूब बनाएंगे, सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको आता होगा वही तो बनाए होंगे ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्राम, तो कम्युनिकेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वही प्रोग्राम है। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं कंप्यूटर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम, डब्ल्यू ए पी मतलब, डब्ल्यू मतलब राइट, अ पी मतलब प्रोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब तुम लोग बार बार सुनते होगे स्कूल में, कॉलेज में कि राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं, इस क्वेश्चन को समझो सिंपली, यहाँ पे तुम्हें ये बोला जा रहा है कि भाई कंप्यूटर को तुम इंस्ट्रक्शन लिख के दो, क्या कि कंप्यूटर अपने स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाए। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल इतना ही है कि जावा में तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के दो कि कंप्यूटर भाई अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, जस्ट दैट। इस क्वेश्चन का बस इतना ही मतलब है। तो चलो लिखते हैं अपना पहला प्रोग्राम जावा लैंग्वेज में। अब इसमें दो तीन चीज याद रखना, अब यहां से हम जावा लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि जावा में प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। सो जावा के कुछ अपने रूल्स हैं, सिंटेक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। बट बहुत ऑब्वियस सी बात है, जावा लैंग्वेज के सारे रूल्स और सारे सिंटेक्स तुम एक दिन में नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, राइट, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, और अगले एक दो महीने में तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे।
सो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तुम जब क्लास 2-3 में थे तभी से हल्का फुल्का इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए थे, पढ़ने भी लगे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है इंग्लिश लैंग्वेज के सारे रूल्स तुम उस समय आते थे, ग्रामर पूरा आता था, इवन अभी भी नहीं आता होगा। सो सेम चीज जावा में अप्लाई होता है। सो जावा लैंग्वेज में प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे? सी, जावा में जब भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास, लिखते हैं क्लास, देन उस क्लास का कुछ नाम दे देंगे। मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी, डेमो, इंट्रो, कुछ भी। बस इतना ध्यान रखना क्लास नेम में पहला लेटर हमेशा अपर केस में होगा। देन क्लास का ब्लॉक, और ब्लॉक बनाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस से, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। सो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज हम किस लिए करते हैं? क्लास का ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। अब ब्लॉक क्या होता है और सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, एरिया मतलब क्लास कहां से कहां तक है। जैसे अभी तुम जिस रूम में बैठे हो अगर उसको एक क्लास मान लो तो उसका भी अपना एक एरिया है ना, कि भाई ये गेट है और ये चार दीवार है, इसके अंदर यही है रूम, इस रूम का एरिया यही है। तो अब यहाँ पे तुम प्रोग्राम में पत्थर थोड़ी लगाओगे इसका एरिया बताने के लिए, ब्लॉक बताने के लिए, तो यहाँ पे हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा ब्लॉक का क्या मतलब होता है। तो हमने क्लास का ब्लॉक बना दिया, अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं लिखेंगे। सो अब इस क्लास के अंदर क्या लिखेंगे? इस क्लास के अंदर एक लाइन लिखेंगे हम जिसका नाम है पब्लिक लोअर केस में, देन स्टैटिक वॉइड मेन, देन पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा, ध्यान देना जहां जो अपर केस में लिख रहा हूं अपर केस में होगा, जहां जो लोअर केस में लिख रहा हूं वो लोअर केस में ही होगा, चेंज नहीं करोगे एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग के बाद ए आर, तुम चाहो तो ए आर जी एस भी लिख सकते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये लाइन क्या है जो मैंने अभी लिखा? इस लाइन को बोलते हैं हम मेन मेथड, मेन मेथड। सो तुम्हें ना अभी ये पता है कि मेन क्या होता है, ना ये पता है कि मेथड क्या होता है। सो एक काम करो, अभी बस याद रखो कि क्लास के अंदर इस लाइन को हमेशा लिखते हैं और इसका नाम है मेन मेथड। अभी मेन मेथड होता क्या है इसका दिमाग मत लगाओ, अभी बस रट लो एक तरीके से कि इस लाइन को मेन मेथड बोलते हैं और हमेशा क्लास में, क्लास के अंदर इसको लिखेंगे। मैं ऐसा रटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना तो एक एक चीज तुम्हें स्टार्टिंग से समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजों को बस तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा करना होता है, यही रूल है, और आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ऐसा इसलिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इंग्लिश लेवल का, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल लूँ तो तुम क्लास 2-3 से इंग्लिश लिख रहे हो, 4-5 से, बट उस समय तुम्हें ग्रामर के रूल्स नहीं पता थे ना। तुम अगर लिखते थे कुछ, जस्ट वन मिनट, तुमने इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिखा, एक पैराग्राफ डिजाइन किया, एक सेंटेंस बनाया, सचिन इज अ क्रिकेट प्लेयर, इंग्लिश लैंग्वेज में सपोज जब तुमने क्लास 4th में थे तुम, तो ऐसे ही लिखते होगे, बट उस समय शायद तुम्हें उतना क्लियर नहीं था कि सचिन को नाउन बोलते हैं, इज क्या है, ए को आर्टिकल बोलते हैं, क्रिकेट क्या है, ए कॉमन नाउन है, प्लेयर आई डोंट नो कॉमन नाउन है कि क्या है, जो भी हो, बट ये सारे ग्रामर्स तुमको नहीं पता थे, जस्ट तुम यूज करते थे क्योंकि तुमको किसी ने बताया था कि बस ऐसे यूज करो, रूल्स तुम्हें आगे पता चलेंगे। सेम चीज प्रोग्रामिंग में भी है, ये भी एक लैंग्वेज ही है। अभी रूल्स याद रखो कि लिखते हैं तो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, धीरे धीरे आगे रीजन पता चलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड का भी अपना ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक कैसे बनाएंगे? ब्रेसेस, पी के जस्ट नीचे ओपनिंग ब्रेसेस, और ये देखो सेकंड नंबर पे ओपन हुआ है ना, तो नीचे से फर्स्ट सेकंड नंबर पे क्लोज होगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारा क्लास है और फिर क्लास के अंदर क्या है? हमारा मेन मेथड है, और ये मेन मेथड की बॉडी है और एक क्लास की बॉडी है, क्लास के अंदर मेन मेथड है। ठीक, सो अब देखो इतना तो जो 9th क्लास में जितने लोगों, इतना तो तुम्हें हर प्रोग्राम में लिखना है, पूरे 9th क्लास में अभी जो सामने लिखा हुआ है ना, ये तो तुम हर प्रोग्राम में लिख देना आंख बंद करके। हाँ, क्लास नेम तुम अपने हिसाब से लिखना, जो भी तुम्हें क्लास नेम देना होगा, बाकी सब चीज सेम एग्जैक्ट यही,
अब इसके अलावा जो भी तुम्हें लिखना है मेन मेथड के अंदर लिखोगे। मेन मेथड के अंदर मतलब यहाँ ये जो curly braces open close है public static void main का। तो हमें क्या करना था, किस चीज का प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। तो जावा में कुछ भी प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्या है अपर केस में होगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन पैरेंथेसिस, ln लाइन चेंज करता मैं सभी बताऊंगा आगे, देन इसके अंदर डबल कोटेशन में जो भी तुम्हें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, सो हेलो वर्ल्ड हो गया, और इस लाइन के बाद सेमी कॉलन, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ये हमने जावा लैंग्वेज में कंप्यूटर के प्रोग्राम का मतलब क्या है, बस हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है जावा लैंग्वेज में किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि जावा लैंग्वेज में मैंने कंप्यूटर को लिख के दिया है कि भाई अपने स्क्रीन पर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, सिंपल इस प्रोग्राम का यही मतलब है। अब इसमें इस प्रोग्राम में हम दो तीन चीज समझ लेते हैं। पहला, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली लाइन है, यहाँ पे देखो मैंने सेमी कॉलन लगाया है, राइट, ये देखो, बट इस लाइन में नहीं लगाया, पब्लिक स्टैटिक लाइन जो एंड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं लगाया, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले एलन वाली लाइन में सेमी कॉलन लगाया है। तो ऐसा क्यों? सो सेमी कॉलन जो होता है, ध्यान समझना जो बता रहा हूँ, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप का हम यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, जहां पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप का मतलब होता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट है, अब ये अपने मीनिंग के लिए अगले सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जावा में क्या होता है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब कि ये लाइन, सेमी कॉलन का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे खत्म, इस लाइन कंप्लीट है यहाँ पे, अब ये अपनी मीनिंग के लिए किसी और स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। इतना है सबको समझ में? ओके, अब देखो, अब यहां पे हम सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा सकते क्लास एबीसी के बाद, क्योंकि सेमी कॉलन लगाएंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि अब इस लाइन के नीचे जो भी लिखा हुआ है ना उसका इस क्लास एबीसी से कोई मतलब नहीं, बट इस क्लास, इस लाइन के नीचे तो इसका बॉडी है ना, हम यहां सेमी कॉलन लगा देंगे तो कंप्यूटर समझेगा ये लाइन यही खत्म, बट नीचे तो इसकी बॉडी है, कंप्यूटर एरर दे देगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद उसी तरीके से आते हैं हम इस लाइन पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, यहां भी हम सेमी कॉलन यहां पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई, इसके नीचे भी तो इसकी बॉडी है ना, सेमी कॉलन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये लाइन यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो फिर ये ब्लॉक किसका है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में हम सेमी कॉलन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन बस इतने में ही ये कंप्लीट है, इसके नीचे इसका कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लाइन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, स्टेटमेंट है, और तुम आज स्टेटमेंट आगे मैं पढ़ाऊंगा, हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन होता है। तो पहली चीज है इसको ध्यान में रखना कि सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, ठीक है। अगर अभी स्टार्टिंग है तुम लोग का तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जिस भी एक्सप्रेशन के नीचे, जिस लाइन के नीचे उसका ब्लॉक है वहां पर सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। दूसरा, क्लास के अंदर मैंने जो भी लिखा है एक क्लास से थोड़ा जगह छोड़ के लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं हम, इंडेंटेशन। ये कंपल्सरी नहीं है बट इससे प्रोग्राम में क्लैरिटी रहता है, ये कंपल्सरी नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि ये नहीं दोगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, नहीं, ये हमारे लिए है, प्रोग्राम में क्लैरिटी रहता है। ये देखो मेथड के अंदर भी जब मैंने लिखा है तो इतना स्पेस छोड़ के लिखा है, एक कर्ली ब्रेसेस से, जो ब्रेसेस ओपन क्लोज है इससे इतना जगह छोड़ के लिखा है। उसी तरह क्लास का जो ब्रेसेस ओपन क्लोज है लाइन देखो, वहां से इतना जगह छोड़ के लिखा है, तो इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। फॉलो करोगे तो प्रोग्राम में क्लैरिटी रहेगी, टीचर जब तुम्हारा प्रोग्राम देखेगा तो उसको देख के खुश हो जाएगा कि चलो बच्चे ने ऐसे लिखा है कि देख के तुरंत समझ में आ गया। सो समझ में आया सबको ये प्रोग्राम? यस सर।
तो चलो जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कंप्यूटर में, ठीक है? फटाक से इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सो जस्ट वन मिनट।